गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। मंडी में लापरवाह लोगों के कटे चालान, लॉकडाउन के उल्लंघन पर 214 पर केस। टिहरा में खाई में समाई कार, एक युवक की मौत। फ्रीज डीए बहाल करने को जोगिंद्रनगर से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सुबाथू के लिए राहत की बड़ी खबर, ढाबे वाले के बेटे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। राजगढ़ में सड़क किनारे मिली नोटों की गड्डियां। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच लापरवाह होकर बिना मास्क घर से निकलने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने शहर में बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों और दुकानदारों के चालान काटे। पुलिस ने जिला में सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क घूमने वाले 994 लोगों के चालान काटकर 5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। इसके अलावा लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर 214 मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव चंद शर्मा ने कहा कि ज्यादातर देखा गया है कि लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति मास्क पहनने में लापरवाही करेगा तो उसे 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और कोई व्यक्ति चालान होने के बाद भी बार बार इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। ज्यादातर ये देखने में आया है कि लोग जो है मास्क या तो पहनते नहीं है या फिर पहनेंगे तो वो उसको प्रॉपरली पहनते नहीं है, गले में लटकाए रखेंगे या आधे मुंह पे उसको लगाए रखेंगे, नाक को कवर नहीं करेंगे। तो मैं बता देना चाहूँगा कि मास्क जो है प्रॉपरली पहनना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहनेगा तो उसको उसमें जो है पुलिस एक्ट के तहत 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा यदि कोई बार बार दोबारा ऐसे एक बार चालान होने के बावजूद भी उसको नहीं पहनता तो 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुलिस ने अभी तक जो है 994 चालान जो है मास्क नहीं पहनने के किए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन की जो वायलेशंस हैं उसके भी 214 केस जो है पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि जो नियम है मास्क पहनना, फेस कवर पहनना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को बार बार धोना, ऑफिस स्पेस या कोई शॉप है उसको सैनिटाइज रखना। यह भी पाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं टेस्ट उनका सैंपल जो लेती हैं अथॉरिटीज़, और उसके बाद सैंपल देने के बाद भी वो लोग जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो तब तक वो बहुत सारे लोगों को इस तरह से रिस्क में डाल देते हैं। तो यह भी अब डिसाइड किया गया है जब जिन भी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे वो लोग सैंपल देने के बाद कोई भी इधर उधर नहीं घूमेगा और अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। इन सब नियमों का पालन करें तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। सभी जो हमारे थाना प्रभारी हैं और सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन दी गई हैं, तो लगातार अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे और सुनिश्चित करवाएंगे कि सब लोग नियमों का पालन करें और जो लोग नहीं करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। मंडी के टिहरा में दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। टिहरा मन्योह सड़क पर हुए इस हादसे में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बकरखड़ से लांबरी जा रहे 3 युवकों की कार मन्योह गांव के पास मोड़ पर बेकाबू होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। इससे लांबरी गांव के अजय कुमार, राकेश कुमार और अजय गंभीर रूप से घायल हो गए। रात को हुए इस हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल की ओर दौड़े लोगों ने भरी बरसात में कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को सड़क तक लाकर अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। इसी बीच रास्ते में ही अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार की मौत हो गई, जबकि राकेश कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह और अजय पुत्र जगदीश चंद्र गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज हमीरपुर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस चौकी प्रभारी नरेश शर्मा जांच में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जोगिंद्रनगर इकाई के पदाधिकारियों ने प्रधान जय किशन की अध्यक्षता में मांगों को एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। प्रधान जय किशन ने बताया कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक प्रदेश सरकार को सौंपे गए 56 सूत्री मांग पत्र पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कोई जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। प्रधान ने बताया कि उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, फ्रीज डीए बहाल करना, निजीकरण और ठेका प्रणाली बंद करना सहित अन्य ऐसे कई मसले हैं जो लंबे वक्त से लटके हुए हैं। मैं जय कृष्ण, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
अध्यक्ष जूनल इकाई आज 27 जुलाई 2020 को माननीय SDM महोदय के माध्यम से 56 सूत्री मांग पत्र दे रहा हूँ, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित निम्न प्रकार की मांगें इस प्रकार से हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार का इंतज़ार किए बिना तुरंत लागू करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, फ्रिज DA बहाल करें, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक सरकार तुरंत बुलाएं, पहले से दिए 56 सूत्री मांग पत्र पर सरकार चर्चा करें, अंधाधुंध निजीकरण व ठेका प्रणाली बंद हो, कर्मचारी व श्रमिक विरोधी नीतियां सरकार वापस लें, रद्द श्रम कानूनों को बहाल करें, कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन विसंगतियां दूर हो तथा उन्हें पूरा वेतन मिले। शुक्रवार की सुबह सुबातू छावनी के बशिंदों के लिए सुख खबर लेकर आई है। स्थानीय ढाबा संचालक के बेटे के चंडीगढ़ में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। वहीं चंडीगढ़ में उनके पूरे परिवार की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। रिपोर्ट का पता चलते ही पिछले कुछ दिनों से सहमे हुए सुबातू वासियों ने राहत की सांस ली है। खबर मिलते ही कई दिनों से होम क्वारंटीन दूसरे दुकानदार ने भी दुकान खोल दी। बता दें कि छावनी क्षेत्र सुबातू में एक स्थानीय ढाबा संचालक के बेटे के चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था। वह शनिवार को ही एक दिन के लिए सुबातू आया था। उसके बुधवार को पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही ढाबे को बंद करवाकर उसके परिवार सहित ढाबे में कार्यरत कर्मियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया था। इसके अलावा एहतियात के तौर पर पुलिस ने उक्त ढाबे को बंद करवा दिया था। सड़क पर नोटों की गड्डियां पड़ी देख भी सिरमौर के राजगढ़ में सफाई कर्मचारियों का ईमान नहीं डोला और उन्होंने सारी रकम पुलिस को सौंप दी। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के सफाई कर्मी शुक्रवार सुबह रोजमर्रा की तरह शिरगुल चौक के पास साफ सफाई में जुटे थे। किस दौरान उन्हें 100-100 रुपए के नोटों के 4 बंडल सड़क किनारे पड़े हुए मिले। रात भर हुई बारिश के कारण नोट भीग चुके थे, पर करीब 40,000 की रकम देख भी सफाई कर्मियों का ईमान नहीं डोला और संजय कुमार, रमेश कुमार, नौनीश कुमार व रतन कुमार ने ये पैसे राजगढ़ पुलिस को सौंप दिए। थाना प्रभारी बलदेव चौहान ने इन पैसों के असली मालिक उजागर सिंह निवासी सवाना ग्राम पंचायत दाहन का पता लगाकर उन्हें ये राशि सौंप दी। उन्होंने ईमानदारी का परिचय देने पर सफाई कर्मियों को सम्मानित कर दिया। सर, हम सवेरे झाड़ू मार रहे थे, मारको खैरी चौक पर 4 गड़िया मिली, वो हमने थाने में जमा करा दी। कितने कितने के नोट थे सर? 100-100 की गड़िया थी वो।